स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किसी धारावाही परिनालिका के लिए स्वयं प्रेरणा गुणांक के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए पहले बच्चों, आप लोगों को मैं थोड़ा जानकारी परिनालिका यानी सोलेनोइड के बारे में दे देता हूँ, फिर इसके लिए डेरिवेशन प्रूव करेंगे। तो स्टैंड सोलेनोइड कैसे बनाते हैं उसको समझिए। इसमें बच्चों हमें कोई एक मेटल की रोड लेनी होती है, जैसे आयरन या लोहा, ठीक है। यानी इसमें हमें किसी एक मेटल की रोड लेनी होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई लोहे की रोड है, ठीक है, समझ में आ रही आप लोगों को मेरी बात। अब बच्चे, इस लोहे की रोड पर तांबे के बहुत सारे फेरों को लपेटा जाता है, तांबे के बहुत सारे फेरों को लपेटा जाता है। लपेटने के बाद तांबे के तार के जो दोनों सिरे होते हैं, जैसे किसी में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो दोनों सिरे होंगे तार के, इनका संबंध हम किसी बाह्य बैटरी से कर देते हैं। किसे करते हैं बच्चों? हम बैटरी से कर देते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को बच्चों, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? परिनालिका बोलते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को? एक बार फिर समझिए, परिनालिका को बच्चों जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें किसी मेटल की रोड लेनी होती है, जैसे आयरन, ठीक है, और उस पर हम तांबे के बहुत सारे क्या लगाते हैं बच्चों? तांबे के तार के फेरे लपेटते हैं, ठीक है, और उन तार के जो सिरे होते हैं, दोनों सिरे, तो उन सिरों का जो रिलेशन वो हम किससे करते हैं बच्चों? बैटरी से कर देते हैं। किससे करते हैं बच्चों? बैटरी से कर देते हैं। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? परिनालिका, या इसको हम विद्युत चुंबक के नाम से भी जानते हैं। इससे बच्चों विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेट के नाम से बच्चों इसको जाना जाता है, ठीक है। अब बच्चों, अब हमें इसी के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की स्वयं प्रेरण गुणांक का हमें सूत्र प्राप्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इससे रिलेटिव जो थ्योरी है, इससे रिलेटिव जो थोड़ी सी थ्योरी है वो मैंने समय बचाने के लिए स्क्रीन पर लिख रखी है। पहले मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है, और फिर हम इसके डायरेक्शन को प्रूफ करते हैं। तो लिखा ये बच्चों, माना एल लंबाई की एक परिनालिका, ये जो आप परिनालिका या ये जो लोहे की रोड आप देख पा रहे हैं, जैसे कि बात करें तो इसकी जो लंबाई बच्चों कितनी है? एल है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये लिखा है कि इसकी जो लंबाई बच्चों कितनी? एल है, और इसके एकांक लंबाई, इसकी एकांक लंबाई, एकांक लंबाई का मतलब क्या? जैसे बहुत सारे फेरे लपेटे गए, ठीक है। तो मान लीजिए ये 10 मीटर लंबी परिनालिका, कितनी है? 10 मीटर लंबी है। एग्जांपल देख बताऊँ, 10 मीटर लंबी परिनालिका है, ठीक है। तो इसके एक 10 मीटर लंबाई में जो फेरों की संख्या आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे फेरे इसके अंदर लिपटे हुए हैं 10 मीटर में, तो इसके 1 मीटर में भी कुछ फेरे होंगे, समझ रहे हैं। अगर ये परिनालिका 10 मीटर लंबी है, ठीक है, तो 10 मीटर परिनालिका फेरों की संख्या मान लीजिए कुछ है, ठीक है, तो इसके एक मीटर लंबाई में मान लीजिए इतने पार्ट में भी तो कुछ ना कुछ फेरों की संख्या जरूर होगी। तो इसको बोलेंगे हम एकांक लंबाई फेरों की संख्या, और पूरी लंबाई में फेरों की संख्या होगी वो कैपिटल एन होगी, और स्मॉल जो एन आएगा इसके अंदर भी वो आएगी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसकी टोटल लंबाई में फेरों की संख्या आएगी कैपिटल एन, ठीक है, और इसकी जो एकांक लंबाई यानी एक मीटर लंबाई में जो फेरों की संख्या वो आएगी स्मॉल एन। ये टर्म्स यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं लैंग्वेज को समझा रहा हूँ क्या। देखिए लैंग्वेज हमें लिखा है, माना एल लंबाई की एक परिनालिका, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जिसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन है। देखिए मैंने क्या कहा, मान लीजिए परिनालिका तो बहुत बढ़िया है, एल लंबाई की, एल का मान 10 मीटर 50 मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन इसकी जो एकांक लंबाई, एकांक लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मान लीजिए एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या वो क्या बच्चों? स्मॉल एन है, ठीक है। अच्छा, तथा संपूर्ण लंबाई में यानी इसकी पूरी लंबाई में फेरों की संख्या क्या बच्चों? कैपिटल एन है। यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक इस पोल से, इस सिरे से और इस सिरे की बात करता हूँ, तो इसमें पूरे जो सब फेरे हैं बच्चों उनकी संख्या कितनी है बच्चों? वो कैपिटल एन है। यानी इसके अंदर जो सारी लंबाई फेरों की संख्या की बात करें तो पूरी लंबाई में जो फेरों की संख्या बच्चों वो कितनी है? कैपिटल एन है। कितनी बच्चों? कैपिटल एन। समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात? मैंने क्या कहा, मैंने इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है? एन है, और पूरी लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है बच्चों? वो क्या? कैपिटल एन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर तो सब फेरों की बात हो गई, ठीक। अच्छा, आगे देखिए, यदि परिनालिका में आय धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि परिनालिका में आय धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, जैसे आप देखो बैटरी यहाँ पर अप्लाई करी रही है, बैटरी है, तो जैसे बात करंट आएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर आय करंट प्रवाहित हो रहा हो, ठीक है, तब परिनालिका के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, तो परिनालिका के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसका मान हम जानते भी हैं पहले से, और इसका डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करा भी दिया है। परिनालिका के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन मैंने आप लोगों को प्रूव करा भी दिया है। तो कितना आता है उसके लिए वी का मान, ये चुंबकीय क्षेत्र को हम वी से लिखते हैं, तो वो जो मान आता है वैल्यू, वो जो वैल्यू आती है वो आती है वी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर आती है, म्यू नॉट एन आई के बराबर आती है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों परिनालिका के भीतर होता है, परिनालिका के भीतर, ठीक है। अच्छा, जहाँ म्यू क्या बच्चों? निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, ठीक है, और आई क्या बच्चों? एन है इसकी एकांक लंबाई फेरों की संख्या, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, और आई क्या बच्चों? इसमें बहने वाली धारा है। लेकिन हमें निकालना है कुंडली के मतलब परिनालिका के स्वयं प्रेरण गुणांक के लिए सूत्र, ठीक है, पूरी कुंडली, पूरी परिनालिका के लिए। तो हमें क्या चाहिए? ये पूरे फेरों की संख्या चाहिए, यानी पूरी परिनालिका में कितने फेरों की संख्या है। अब इस सूत्र से कैसे निकलेंगे ध्यान समझिए। देखिए स्टैंड, हमें चाहिए इसके
पूरी लंबाई अक्षरों की जो संख्या है उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे उसको ध्यान से देखिए। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं बच्चों एल लंबाई में जो फेरों की संख्या बच्चों वो क्या है, कैपिटल एन है। यानी एल लंबाई में जो फेरों की संख्या वो कैपिटल एन। मैंने आप ये तो बताया था कि एल लंबाई की प्रणाली का फेरों की संख्या क्या बच्चों, कैपिटल एन है। ठीक है, समझ में आ रही आप लोग में। तो इसके एकांक लंबाई में कितने फेरे आएंगे, एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या आएगी बच्चों, यानी 1 मीटर को मान लें, यानी एकांक लंबाई फेरों की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों आपका ये आएगा एन अपॉन एल आएगा। कितना आएगा, एन अपॉन एल। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। अब देखिए एकांक लंबाई फेरों की संख्या आएगी वो कितनी, हमने किसको लिखी है, उसको हमने स्मॉल एन से लिखा। एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है वो हमने किससे लिखी है, हमने एल से लिखी, एन से लिखी स्मॉल एन से, ये तो लिखी है ना एकांक लंबाई फेरों की संख्या। तो ये कितने जाएगी बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका कैपिटल एन अपॉन एल हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए 10 मीटर लंबी प्रणालिका है। तो 10 मीटर लंबी प्रणालिका में यहाँ पर समझा रहा हूँ, देखिए मान लीजिए 10 मीटर लंबी प्रणालिका में आपके जो फेरे हैं वो कितने, 100 हैं। कितने बच्चे, 100 हैं। हमें चाहिए 1 मीटर फेरों में कितनी संख्या होगी, 1 मीटर में आ जाएगा बच्चे आपका 100/10 हो जाएगा। तो 10 कितना आएगा, 100 आएगा। यानी 1 मीटर फेरों में जो संख्या आ रहे हैं बच्चों, कितने आ रहे हैं, 10 फेरे आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बच्चों, 10 फेरे। तो 1 मीटर फेरों की जो संख्या उसको हमने कैसे लिखा बच्चों, हमने इसको लिखा है स्मॉल एन से। और जो टोटल लंबाई फेरों की संख्या उसको लिखा हमने कैपिटल एन से। और ये 10 कहा, ये लंबाई थी ना, तो ये आपका जो एल है वो ये आ गया था। समझ में आ रही आप लोगों को मेरी बात। तो यहाँ पे हमने यूज क्या करा, फार्मूला ये यूज करा हमने, एन इजिकल टू कैपिटल एन अपॉन एल, जहाँ एन का एकांक लंबाई फेरों की संख्या है, जहाँ पे मुझे इस वैल्यू को पोर्ट करना होगा भी, और एन क्या इसकी पूरी लंबाई फेरों की संख्या है, और ये क्या बच्चा आपका प्रणालिका की लंबाई है। ठीक है, समझ में आती है आप लोग को मेरी बात। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे परंतु एन इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चा, एन इजिकल टू आएगा कैपिटल एन अपॉन एल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करिए फार्मूले को, तो वी इजिकल टू कितना हो जाएगा, वी इजिकल टू हो जाएगा बच्चों मी नोट आपका ऐसे तोड़ जाएगा। अभी एन स्मॉल एन आ रहा है, इसलिए आएगा कैपिटल एन अपॉन एल, जहाँ कैपिटल एन है पूरी प्रणालिका में फेरों की संख्या। तो एक कैपिटल एन तो इधर आ जाएगा, और ये आई आपका बच्चों ये आ जाएगा, और ये जो आपका एल है बच्चों आपका अपॉन में ये आ जाएगा। यानी हमने स्मॉल एन की जगह हमने कैपिटल एन अपॉन एल प्रूव कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, अब हम लिखेंगे प्रणालिका के प्रत्येक फेरे से बद चुंबकीय फ्लक्स लिखेंगे। देखिए प्रणालिका के प्रत्येक फेरे से बद चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का जो फार्मूला होता है बच्चों, कहता है फाई बराबर क्या होता है, वी ए होता है। क्या होता है, फाई बराबर वी ए होता है। यहाँ ए क्या है, ए है प्रणालिका का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वी, अब वी का वैल्यू रख लीजिए बच्चों, वी का वैल्यू कितना आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वी का वैल्यू आ रखा है अपने पास मी नॉट एन आई अपॉन एल आ रखा है। क्या रहा, देखिए मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, मी नॉट एन आई अपॉन एल आ रहा, और ये वाला जो ए है बच्चों ये पहले से चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही, यानी ये जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू, ये का की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई बच्चे आपका वी की वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ पे निकाली है, और ये ए आपका पहले से आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए देखो मैं थोड़ा यहाँ से रब किए देता हूँ, समझ में आती है आप लोगों को मेरी बात। अच्छा अब देखिए ये आ गया बच्चों आपका फाई, और ये फाई क्या बच्चों, इसके एक फेरे से, इसका जो एक फेरा उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इतना है। अब इसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है, एन है, तो हमें एन फेरों से फ्लक्स चाहिए, कितना होगा रिलेटेड फ्लक्स। तो लिखेंगे प्रणालिका के सब फेरे कितने इसके अंदर एन है, सभी फेरों से वध चुंबकीय फ्लक्स। यानी हम निकालेंगे एन फाई, ध्यान से समझो, देखो एक फेरे से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो फाई है, तो एन फेरों से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, एन फाई होगा। कितना होगा, एन फाई होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा पीछे से देख कर लेकर आ रहा हूँ, देखिए ध्यान से, एन फाई बराबर क्या, देखिए एन ये आ गया, और फाई का मान मुझे पहले से पता, फाई का मैंने निकाल दिया मान, क्या देखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू में ए भी चल रहा है, यहाँ पे ए है स्टैंड। ठीक है, ये ए, तो ये हो जाएगा देखिए एन फाई, तो एन तो ये आएगा, फाई का वैल्यू रख लीजिए, क्या देखिए ये बच्चों म्यू नॉट एन आई, और ए भी मैंने साथ में लिख दिया ये वाला, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका बच्चों, एल चल रहा है, क्या चल रहा है, एल चल रहा है। ठीक है, तो ये अगर प्रूफ करूँ तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपन क्या आएगा बच्चों, एल आ जाएगा। तो ये बच्चों का वैल्यू आ गया, एन फाई का मान आएगा, एन फाई मतलब इसके सभी फेरे, इस प्रणालिका के सभी फेरों से जो रिलेटिव जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा बच्चों, इतना होगा। ठीक है,
अच्छा अब लिखेंगे हम बच्चों स्वयं प्रेरण की परिभाषा से, स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा से, ठीक है। सूत्र क्या होता है? अब जो सूत्र होता है स्वयं प्रेरण गुणांक होता है बच्चों एल इजिकल टू होता है बच्चों एन फाई अपॉन आई। क्या होता है? एन फाई अपॉन आई होता है। किसका सूत्र है ये बच्चों? ये एल यानी एल क्या स्वयं प्रेरण, यही जो एल है बच्चों ये क्या स्वयं प्रेरण गुणांक है, क्या स्वयं प्रेरण गुणांक जिसके लिए हमें डेरिवेशन निकालना है, ठीक है। स्वयं प्रेरण गुणांक, ठीक है। अच्छा तो देखिए कैसे इसको पूरा करेंगे, तो एल बराबर हो जाएगा, देखिए एन फाई, एन फाई का मान लो मुझे देखो एन फाई आ रहा है, तो एन फाई का मान तो मुझे पता है कितना आ, देखिए समझिए, देखिए लिख रहा हूँ मी नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल, किसका मान है ये एन फाई का मान, तो मैंने एन फाई की जगह वैल्यू पुट कर दिया और साथ में अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों आई चल रहा है, क्या चल रहा है आई चल रहा है फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई से आई बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसलिए एल बराबर जो आएगा बच्चों कितना आएगा, एल बराबर आएगा देखिए म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और अपन में क्या जाएगा बच्चे आपका एल आ जाएगा। तो ये जो डेरिवेशन आया, ये जो फार्मूला आया है, ये किसी प्रणालिका के लिए स्वयं प्रेरण गुणांक का फार्मूला है, ठीक है। और इसमें जिसका जो मात्रक होता है वो कहता है बच्चों हेनरी होता है, क्या होता है बच्चों हेनरी, स्वयं प्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है हेनरी होता है। तो बच्चों इस प्रकार से बच्चों हम ये डेरिवेशन को प्रूव करते हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। आसान डेरिवेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, 5 नंबर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।